खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के हवाले से। पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के वोट शुमारी का अमल अभी भी जारी है। बीजेपी 5 और आजाद उम्मीदवार 1 सीट पर काबिज और स्ट्रांग रूम के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शाम तक नतीजे का ऐलान हो सकता है। एडीसी लेह का मानना है और कांग्रेस इस वक्त 2 सीटों पर आगे है जबकि बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके साथ साथ ये अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है कि नोबरा वैली से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। नोबरा वैली से क्लीन स्वीप बीजेपी की जानिब से और इस वक्त जो है वोट शुमारी का अमल, गिनती का अमल जारी है। जहां पर बीजेपी कई सीटों पर आ गए हैं वहीं पर नोबरा वैली से 5 सीटों के साथ उन्होंने कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नोबरा वैली से कामयाब हुई है, क्लीन स्वीप किया है और उसके साथ साथ हम बता दें कि कांग्रेस की जानिब से 2 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रहा है और साथ ही साथ अगर हम पहले मरहले की बात करेंगे तो अभी तक ना ही आम आदमी पार्टी और ना ही कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई खाता खोला गया है। कांग्रेस और आप अगरचे कांग्रेस 2 सीटों पर इस वक्त आगे हैं ताहम किसी पार्टी यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक जो है कोई भी खाता नहीं खोला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नोबरा वैली से जो है क्लीन स्वीप। सीधा चलते हैं हम ले इस वक्त हमारे साथ है मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक तफसीलात के साथ आपके पास आएंगे, जरा तफसीलात फराम कीजिए। आज जो है वोट शुमारी का अमल हुआ है ये, हालांकि अभी जो है बाहर की बात करें बाहर मौसम का मिजाज कहीं ना कहीं खराब है, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है लेकिन साथ ही साथ जो है काउंटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पे अपना कब्जा जमा लिया है। और जिस तरह से अगर हम नुबरा वैली की बात करें, नुबरा वैली को क्लीन स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने और लगातार सुबह से ही आज से जब से काउंटिंग शुरू हुआ तब से जो है भारतीय जनता पार्टी काउंटिंग के सिलसिले में काफी डोमिनेंट नजर आया और अभी भी डोमिनेंट नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हम लीडिंग की बात करें बहुत सारे सीटों पे 7 से 8 सीटों पे लीड भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अभी तक जिस तरह से बाकी 2 पार्टी से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी तक खाता खोलने में नाकाम हुआ है तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पल्ला काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स लगातार जीत रहे हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स। जरा ये बताएगा कि अभी तक जो है कितने मरहले मुकम्मल हुए और कौन सा मरहला इस वक्त वोट शुमारी का चल रहा है? जी अभी तक पहला राउंड के मुकम्मल होने के बाद जो है ये नतीजे सामने आए हैं। 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो शुरू से हैं और 6 भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीत लिया है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो है डोमिनेंसी वो लगातार नजर आ रहे हैं इसको मद्देनजर रखते हुए काउंटिंग सेंटर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स लगातार बढ़ रहे हैं और जो है तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि यहां से कैंडिडेट जीत के जब काउंटिंग सेंटर से बाहर निकलेंगे तो सीधे पार्टी ऑफिस पे जाएंगे और वहां पे जश्न भी हो सकता है। इसहाक जरा ये बताएगा लेह के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर किस तरह का माहौल है और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है? जी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मॉर्निंग से ही सुबह से ही काफी हलचल देखी जा रही थी। वहां पर जिस तरह से इंतजाम सुबह से लगातार किया जा रहा था क्योंकि यहाँ से जीतने के बाद जश्न जो वहां पे होगा जश्न के हवाले से जो सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा रिफ्रेशमेंट के हवाले से, उस हवाले से सुबह से ही इंतजाम किया जा रहा थे। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस तरह से नुबरा वैली की बात करता हूँ, तुरतुक जहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, हालांकि इससे पहले तुरतुक जो है वो काफी टफ माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए लेकिन बाद में जब काउंटिंग का सिलसिला आगे बढ़ता गया तो आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने तुरतुक से भी जीत हासिल की। साथ ही साथ डिस्किट की बात करें, डिस्किट से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, टंग से, टिगर, हुंदर, पनामिक। और साथ ही साथ छिशुल की बात करें, छिशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे जो एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर था कुंतुक तंजिन, उन्होंने जीत हासिल की है छिशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ा रहा है लेकिन इस बार इंडिपेंडेंट एज एन जब मैंडेट उनको नहीं मिला तो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ा था और वो भी छिशुल कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत चुकी है। फिलहाल पल्ला जो है भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का नजर आ रहा है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक आपका, जो भारतीय जनता पार्टी के हवाले से जो खबर लेख के अंदर आ रही है। नूबरा वैली से उन्होंने जो है क्लीन स्वीप कर दिया भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर, जो है लेख के अंदर इस वक्त काफी खुशी देखी जा रही है। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जानिब से अभी तक जो है खाता नहीं खोला गया है। अगरचे कांग्रेस की तरफ से जो है दो सीटों पर वो आगे चल रही, तमाम अभी तक वो खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई है।